उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक दुखद हादसा सामने आया है। यहां पर अपनी मां का इलाज करवाकर अस्पताल से लौट रहे दो आर्मी जवान भाइयों की कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया। उस हादसे में छोटे बेटे और मां की मौके पर मौत हो गई है, जबकि बड़ा बेटा भी बुरी तरह से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा आज तड़के हुआ है, जब ग्राम इंदिरा गांव चिन्याली सौंड निवासी आर्मी में तैनात दो सगे भाई विकास 22 साल, दूसरा भाई भूपेंद्र 25 साल अपनी मां का इलाज कराकर अस्पताल से घर की तरफ निकले और बड़े बिनचौरा रोड पर उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। कार 300 से 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में माता पवना देवी 48 वर्ष, पत्नी रूकम सिंह और छोटे भाई विकास 22 साल की मौके पर मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई भूपेंद्र बुरी तरह से घायल हो गया है। बता दें, विकास और भूपेंद्र दोनों ही भाई आर्मी में कार्यरत हैं। वहीं अब ये सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके बाद हादसे में घायल भूपेंद्र को CHC चिन्याली सौंड भेजा गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस हादसे की खबर लगते ही परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है।